everyone, welcome back to my channel and welcome back to a new quirky vlog. These are kind of like the last days of December. मैंने last year भी 2020 का ऐसा ही vlog किया था आप लोगों के लिए and you guys loved it a lot. I just woke up, did my skincare and बैठ गई आप लोगों के साथ. I actually have breakfast plans with Ishan and आज हम Amor Bistro नहीं जाने वाले. We were contemplating कल रात को कि कहाँ जाए, Big Chill जाए या Amor Bistro जाए या फिर एक और जगह हम जाते थे, कौन सी थी वो, Social. But this time we wanted to try something new, so हम आज मजनू का टीला जाने वाले हैं, आमा कैफे. But you never really know with Ishan, अभी गाड़ी में लेने आएगा तो फिर वो कुछ और ना बोल दे, बट मैं आमा कैफे सोच के जा रही हूँ. लेट्स सी. मुझे मजनू का टीला ना वैसे जगह बहुत ज्यादा पसंद है और अभी क्योंकि सर्दी है ना दिल्ली में, वहां की थोड़ी लिटिल टिबेट वो मैक्लोडगंज टाइप की वाइब है एंड आई एम रियली मिसिंग हिमाचल. सो लेट्स गो देयर. लेट्स जस्ट टू बॉटम्स अप विद दिस वन एंड मैं आपको फिर अपना आउटफिट दिखाती हूँ. लेट्स गो मीट ईशान. हेलो मिस्टर सिम्बा. जी एम. गुड मॉर्निंग. हेलो. ही सो सुस्त राइट नाउ. किसको हेलो कर रहे? भूत को. तुम ट्रीट खाएगा? अच्छा, कान खड़े हो गए. दिस इज स्पिनच एंड चीज स्टिक्स. अब करोगे हेलो? हेलो करो. अच्छा, अब दे दिया. लो. बाय द वे गाइस, स्टिल कोपिंग विद माय हेयर बट इट लुक्स बेटर. कल मैंने पर्पल शैम्पू यूज़ किया था तो थोड़ा वो जो ग्रीन ग्रीन येलो लेयर्स थी वो जा रही हैं. दे स्टिल हैव सम वॉर्म टेंट्स बट इट्स फाइन. दिस इज द आउटफिट फॉर द डे. आई एम जस्ट किडिंग, ये घर का मेरा आउटफिट है. आई एम प्लानिंग टू वेयर दिस हाई नेक बीच में जिपर सॉर्ट ऑफ क्रॉप स्वेटर या क्रॉप जम्पर. दिस इज अ वेरी प्रिटी लैवेंडर एंड ये मैंने लिया था बीर वाली शॉप से. इसके अंदर ना मैं ये थोड़ा सा लाइनिंग कट स्लीव गंजी पहनने वाली हूँ बिकॉज मुझे ना अपने चेस्ट एरिया पे स्वेटर टच करता हुआ अच्छा नहीं लगता. सो दिस इज फॉर प्रोटेक्शन एंड आई एम गोना वेयर दिस जीन्स फ्रॉम H&M. ये जो मॉम जीन्स मैंने आपको दिखाई थी, दिस इज द बैग फॉर द डे एंड इसमें मैंने क्यूट सी ऐसे कीचेन वगैरह लगाई हुई है. दीज आर द इयररिंग्स दैट आई एम वेयरिंग. वेरी स्पेशल चैक्रो ने गिफ्ट किया था एंड ये मैं बहुत कम ओकेजन्स पे पहनती हूँ बट दिस जस्ट वेंट विद द लाइलैक वाइब. ये आज के लिपस्टिक्स ऑप्शन मैंने निकाले हुए हैं एंड नीचे मैं पहनूंगी ये बूट्स. सो आई डोंट रियली नो कि मैं कौन से बूट्स पहनूंगी. ये वाले काफ़ी कम्फी हैं. दीज आर फ्रॉम ज़ारा एंड दीज आर माई न्यू बूट्स जो मैंने सरोजनी नगर हॉल में आप लोगों को दिखाए थे. सो लेट्स सी, जो भी मेरा मन करेगा पहन लूंगी. ऑल राइट किड्स, ऑल ड्रेस्ड अप. दिस इज द लुक फॉर द डे. आई लोकी लुक लाइक पू फ्रॉम K3G. लाइक उसने ऐसा कुछ लैवेंडर और साथ में से न्यूड गॉगल्स लगाए होते. So this is the look for the day. I'm wearing this jeans. I decided on the Sarojini Nagar boots. Simba so rare. And yeah, that is the outfit. Ishan is like 2 minutes away, so I'm just gonna go outside and wait for him. Also, like, this is the makeup look. Very, very nude pinky. What's up? Good morning. Morning. Plan wahi hai na? Oh, great. Going to Majnu ka Tila. पीछे गाड़ी टो हो रही है. वी जस्ट पार्क्ड हियर. निकले गाड़ी से, दो कदम लिए एंड निशान वाज लाइक मैं वापस आता हूँ अभी. आई वाज लाइक क्या हो गया. ही नोटिस्ड के गाड़ी उठाने वाले आ रहे हैं एंड यहाँ सबने एक्चुअली पार्क की हुई है तो दिल्ली में इतना पता नहीं चलता है. देन वी आस्क देम कि टू पार्किंग कहाँ है एंड अब हम वहाँ जाएंगे बिकॉज ये लाल गाड़ी तो गई. वेलकम टू मुंबई यू गाइस. वी टुक अ रॉन्ग टर्न एंड हमें बहुत टाइम लगेगा. वी आर स्टार्विंग बट एंजॉय वर्ली सीलिंग. Finally, after a lot of detouring, the car is parked right there. Paid parking है एंड अंदर ये रास्ता है जहाँ ईशान जा रहा है मुझे छोड़ के. हेलो. Guys, so this is what I'm ordering in Ama Cafe. We have an English breakfast non-veg for Ishan. I am having grilled chicken cheese sandwich. Then I've also ordered these fries and a pancake. Also, I ordered a coffee. Yeah, cafe mocha. Tigers
टिशू, द टिशू गाय। कौन सी वाटर है? मेरी वाली। तूने क्या मंगाई थी? क्या पूछी थी? English breakfast. This is a Shan's English breakfast with rajma, sausage, bacon, omelet and bread. What about the bacon? ये अंडा इतना छोटा क्यों है? Just beside Rama Cafe, there is Koja. यहाँ पे can you see? अंदर चिमी, कोया, कुकी वगैरह है. So I'm gonna go here. कैफे के भी बारे में मैंने बहुत सुना है. यहाँ पे टिबेटन बहुत अच्छा फूड मिलता है एंड पूरी लेन में यहाँ पे शॉपिंग करने की काफ़ी चीज़ें हैं. दे हैव सच कूल जैकेट्स एंड ऐसे वाला जो मैंने पहना हुआ है ना जंपर, ऐसे भी यहाँ पे ब्लैक कलर में मिल रहे हैं. बाय द वे आई शॉप फ्रॉम कोजा, अ लॉट ऑफ BT21 स्टफ एंड अदर थिंग्स. शान इज़ राइट हियर, जैकेट पहन के आया था बट गाड़ी में जैकेट छोड़ आया बिकॉज ही थॉट के धूप होगी अंदर एंड ये अब फिट हो रहा है. वी आर गोइंग बैक टू द कार. काफ़ी अच्छा है यहाँ पे. यार मैं वहाँ टेम्पल साइड नहीं गई, मुझे लाफिंग खाने का मन था बट मेरा पेट भी बहुत भरा हुआ है अभी. छोड़ो, नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली ईट लाफिंग, या फिर अगर उससे पहले हिमाचल चली गई तो वहाँ का खा लेंगे. बाय द वे जो आमा कैफे का फूड था दैट वॉज रियली ग्रेट. आई हैड वेरी लेस एक्सपेक्टेशन बिकॉज आई थिंक हम 2015 या 14 में इनिशियली जब ये खुला था तब आए थे एंड द फूड वॉज नॉट दैट ग्रेट. हमने पिज्ज़ा खाया था एंड कॉफ़ी पी थी बट दिस टाइम कैफे मोका वॉज गुड. ऑल देयर फ्राइज आर सो यमी, उनके डिप्स बहुत टेस्टी थे एंड आई ऑल्सो लव्ड जो मैंने मंगाया था दैट ग्रिल्ड चिकन चीज़ सैंडविच. तेरा ब्रेकफास्ट कैसा था? इंग्लिश ब्रेकफास्ट इट वॉज गुड. मैंने या द प्राइस, हमने क्या 4 डिशेज ऑर्डर की एंड साथ में 2 कॉफ़ी बट इट ओनली समड अप टू लाइक 1000 रुपीज़ विच वॉज ग्रेट. ऑल राइट यू गाइज, इट्स अ डिफरेंट लुक दैट यू सीइंग बट इट्स द सेम डे.
I just finished filming a very massive video. Like, it took me 2.5 hours to film this whole video. I think आप जब तक ये व्लॉग देख रहे हो तो आप लोग देख चुके होंगे ये वाली वीडियो, जिसमें मैं सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के प्रोडक्ट्स रिव्यू कर रही हूँ, उनके ब्रांड्स रिव्यू कर रही हूँ. सो दीज आर ऑल द ब्रांड्स एंड कैंडल्स एंड एवरीथिंग. एंड अभी मैंने सामान यहाँ का पैक किया. आई एम फिल्मिंग अगेंस्ट ईशान्स रूम की व्हाइट वॉल. दैट इज हाउ इट रोल्स. मैं पहले आपको अपना लुक दिखाना भी भूल गई. आई केम बैक, फटाफट मैं लुक चेंज करके इधर आई, फिल्म किया, एंड नाउ आई हैव गॉट द टाइम टू इवन स्पीक. मैं आज पानी लाना भूल गई एंड ठंड बहुत लग रही है. लाइक ऊपर वाले फ्लोर में इतनी ठंड है, अभी तक मेरी रिंग लाइट ऑन है. आई एम जस्ट गोना ओपन दिस यहाँ. ओह धूप. मैं यहाँ पे ना चेयर लगा के अभी बैठ जाऊंगी बिकॉज आई एम फीलिंग सुपर कोल्ड. माई हैंड्स आर फ्रीजिंग. हेलो गाइस, सो आई एम बैक होम एंड सुपर टायर्ड. इतना ज़्यादा मैंने मेकअप थोपा हुआ था. आई जस्ट क्विकली वॉश माई फेस, डिड अ लिटिल बिट ऑफ स्किन केयर, लिप बाम एंड या उसके आगे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी. आप लोगों को पता है लाइक हाउ मैड आई हैव बीन अबाउट माई हेयर. आई एम इन टॉक्स विद अ लॉट ऑफ people and salons that reached out to me and they were like, we offer to help you, and I'm like so grateful. तो अभी मेरी दो तीन लोगों से बात चल रही है. I'll just like पिछली बार की तरह मैं कोई गलती नहीं करना चाहती. सो आई वांट टू वे माई ऑप्शंस एंड देन डिसाइड. सो मे बी लाइक बिफोर जैन थोड़ा ये चेंज हो जाए सिचुएशन. बट आई रियलाइज मैंने आप लोगों को आके दिखाया नहीं कि मैं मजनू का टीला में जहाँ कोजा गई थी वहाँ से क्या क्या लाई हूँ. सो हेयर इट इज माई कोजा हॉल. एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम कोजा इज दिस प्लशी. इट्स अ BT21 कैरेक्टर जिसका नाम है कोया. एंड इफ यू गाइज डोंट नो, BTS ने अपने BT21 कैरेक्टर्स निकाले हुए हैं और कोया नामजून का कैरेक्टर है. मेरे पास जिमिन का कैरेक्टर चिमी है. एंड आई ऑल्सो हैव दिस छोटू सा प्लशी जो मैंने अमेजोन से एक बार मंगाया था, RJ जो सोकजिन का कैरेक्टर है. बट या आई जस्ट रियली फाइंड कोया सुपर प्रिटी. मुझे कलर और ये पर्पल पूरा कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है. मुझे कभी भी बचपन में सॉफ्ट टॉयज और ऐसे प्लशीज का शौक नहीं था, बट आई हैव दिस ऑब्सेशन विद कलेक्टिंग ऑल द BT21 कैरेक्टर्स. एंड ये एक्चुअली एक आर्म पिलो है. लाइक आप इसको ऐसे डाल के ऐसे सो सकते हो लाइक ड्यूरिंग ट्रैवल एंड एनीथिंग. द नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस क्यूट पाउच राइट हेयर. इस पे भी कोया बना हुआ है. आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद दिस ब्लू एंड पर्पल कॉम्बिनेशन. तो ये पिंक कलर का पाउच है, ये ऐसे बंद हो जाता है. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. मुझे काफी क्यूट लगा ये. सो आई वाज लाइक लेट्स गेट इट. मैं आपको सारी कोया की चीजें पहले ही दिखा देती हूँ. दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई गॉट. इट इज लेट इट स्नो कोया वाटर बॉटल. ये एक्चुअली एक थर्मस टाइप का है. सो इसके अंदर ना अगर आप कुछ गर्म डालोगे तो गर्म ही रहेगा, ठंडा डालोगे ठंडा ही रहेगा. देन आई गॉट दीज थ्री माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स फॉर मेकअप रिमूवल एंड स्टफ. सो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है एंड इनका साइज भी काफी ज्यादा क्यूट है, अगेन फॉर ट्रेवल पर्पजेज. सो ये पीच कलर में एक्चुअली दे आर फोर. आई हैव अ पीच वन, अ बेबी पिंक वन, अ व्हाइट वन एंड अ सी ग्रीन वन. नेक्स्ट अप ना, वहाँ कोजा में बहुत ज्यादा कोरियन स्किन केयर एंड ब्यूटी के सामान मिलने लगे थे. सो आई पिक्ड इट अप. इट इज फ्रॉम फेस शॉप. ये राइस वाटर ब्राइट मेकअप रिमूवर सोल्यूशन टाइप का है एंड दिस इज अ रिच क्लेंजिंग ऑयल. सो आई रियली वॉन्टेड दिस फॉर विंटर्स एंड आई गॉट इट. आई विल बी ट्राइंग इट वेरी वेरी सून. एंड आई गॉट टू ज्वेलरी पीसेस फ्रॉम कोजा. वहाँ एकदम साइड में जाके जहाँ कैश काउंटर है ना, नीचे बहुत अच्छा ज्वेलरी सेक्शन था. सो दीज आर द इयरिंग्स दैट आई गॉट. ये ऐसे टाइप के चांद सितारे वाले डैंगलर टाइप के इयरिंग्स मैंने जिमिन को बहुत कॉन्सर्ट्स में पहनते हुए देखे हैं. लाइक एक कान में ऐसे हैं, वो बहुत कूल लगते हैं. नेक्स्ट, आज ही सुबह सुबह मेरे पास ये पैकेज रिसीव हुआ है फ्रॉम द ब्यूटी बार लाउंज. वाओ, सच अ प्रिटी पैकेज एंड आई एम जस्ट रियली रियली एक्साइटेड फॉर दिस. आई लव वेल पैक्ड प्रोडक्ट्स एंड दीज काइंड ऑफ डब्बास. सो लेट्स जस्ट ओपन इट विद यू गाइज. Okay, you have this. Wow. पहले तो मुझे एक क्रिसमस ब्राउनी मिल गई एंड क्रिसमस कुकी मिल गई. दिस इज सो फ्रिकिंग अमेजिंग. आई थिंक ये रवि खा जाएगा. देन वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लॉट ऑफ बूजी प्रोडक्ट. द फर्स्ट थिंग दैट आई सी राइट हियर इज अ परफ्यूम फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट. इट्स कॉल्ड मिडनाइट ब्लूम एंड इट्स अ फ्रेग्रेंस मिस्ट. ओह, दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग यार. This smells like जो Bath & Body Works का gingham था ना, smell somewhat like that. Then they've sent me Tarte Shape Tape, which is one of like the best, like number one America's loved concealers. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा high coverage वाला होता है. मैंने इस concealer के बारे में इतनी बातें सुनी है. And they've sent me the shade Light Medium 29N. I think ये मुझे match कर जाएगा. Yeah. It is going to match me. Next, we have something from Rare Beauty. Wow. So, this is their Optimist Pore Diffusing Primer. You guys know how much I love, love, love primers that diffuse my pores. And the packaging is actually really pretty, really minimal and cute. So, this is what it looks like. And it has a pump right here. Very travel friendly. It has a very gel-like consistency. Can you guys see this? Wow.
I think this will definitely help with pores. Next up, we have this Pore Refining Tone Serum Fat Water by Fenty Skin. Oh my god. You guys are spoiling me, Beauty Bar Lounge. Thank you so much, Surbhi. Skincare product for day and night. So, this is kind of like a skin oil. I'm really excited for this. Then we have this mini lipstick from Armani Beauty. I am spoiled rotten. And I think this is such a beautiful shade for Christmas. It is not your crimson typical red, but it's sort of like a brick thing. Ruko, kahan pe swatch karu? Itne tattoos hain. So, this is what the shade looks like. And it has a deeper effect to it, so bilkul bhi chatak nahi lagegi, but can you guys see? Okay, so next we have this Bronze and Glow Duo from Natasha Denona. Ye sare brands maine bahar ke YouTubers ke videos mein hi dekhe hain, but this product is so luxe. Wow. I never expected in a million years mere paas aise type ke products honge, but this looks so promising. Then we have this Glam Bronze from Morphe. The packaging is so chatak, bold, and I think it's a big fat bronzer because मैंने इसके बारे में बहुत देखा था. मेरा काफी time से मन था इसको try करने का. Mega star. नीचे वो slip निकल गई, but yeah. I think this will be a very warm and cute bronzer on me. So excited to try this, yeah. Thank you so much, Surbhi, for sending all of these items. The last one is a You Can Be Ka eyeshadow palette. Guys, this is what it looks like. Kind of resembles the Huda Beauty palette, but इसके अंदर काफी सारी shades हैं जो मैं use करती हूँ. These vines and mauves. Right up my alley, and काफी cute इन्होंने shimmer colors भी दिए हुए हैं, and again something with a mirror just excites me the most. This studio is such a mess. मैं इसको अभी फटाफट clear कर लेती हूँ, and my mom is actually gonna make गाजर का हलवा today, so I'm really excited. सर्दियों में एक बार जरूर बनता है, मेरी पूरी family को बहुत पसंद है, so I'm just gonna clean it and let's go to the kitchen and make गाजर का हलवा with her. So we are in the kitchen. Hello mummy, क्या बना रहे हो? आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा. Yes, winter favorite. जैसे बहुत सारा खोया वगैरह ये सब डाल के नहीं घर का जैसे घर में सब चीजें अवेलेबल इजीली बन. चलो देन लेट्स स्टार्ट. तो मैंने ये 2 किलो गाजर को कद्दूकस कर लिया. ठीक है, तो इसको हम पहले अपने बर्तन में स्टोव इज ऑन बाय द वे गाइस. एक कड़छी घी डाल लूंगी, फिर ऊपर डाल के इसके साथ भूनता रहेगा ये. ओके, थोड़ा सा 10 मिनट भून के फिर इसमें दूध डालेंगे. दैट देसी घी वाइन. बस इसको घी के साथ थोड़ा सा भून लेना है ताकि ये इसका जो गाजर का रस है वो थोड़ा सूख भी जाएगा और ये घी में अच्छे से भून जाएगा. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है? इसको लगेंगे 5 से 10 मिनट लगेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हम जैसे 2 किलो गाजर है, मैं तो ज्यादा दूध डाल के 2 किलो ही दूध डालती हूँ. वैसे ऐसे भी कर सकते हैं कि पानी में कई लोग विसल लगवा के फिर उसके बाद थोड़ा दूध डालते हैं, वो तो अपने ऊपर है, पर मैं ऐसे बनाती हूँ. ओके, क्योंकि पंजाब में ना गाजर के हलवे को गजरेला बोला जाता है. वो दूध होता है, वो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, गाजर पक जाती है ना. वैसे गाइस नॉट एग्जैजरेटिंग, बट मम्मी बहुत टेस्टी गाजर का हलवा बनाती है. मैंने तो इधर उधर बीकानेर वाला हल्दीराम कहीं से भी इतना टेस्टी नहीं खाया. मुझे मम्मी का गाजर का हलवा बहुत टेस्टी लगता है. अब ये देख लो ऑलमोस्ट मतलब कि कितना रिड्यूस हो गया, अच्छे से भून गया है. 10 मिनट लगे मुझे पर ये अच्छे से घी और गाजर भून गए. अब इसमें हम दूध डाल के इसको पकाएंगे. तो इसमें हम 2 kg मिल्क डाल देंगे. मलाई वगैरह जो है वो सब डाल के इसको फिर हाई फ्लेम पे पकाएंगे. अब ये दूध ऑलमोस्ट 1/4 जब रह जाएगा ये, तो तब हमारा हलवा तैयार होगा. उस टाइम हमने जैसे पहले इसको घी में भून लिया तो ये थोड़ा सा घी छोड़ने लगेगा. ओके, तो उसका मतलब हमारा हलवा तैयार है. गर्म पानी करके इसमें बादाम भी गोली है, फिर इसको छील लूंगी. किशमिश और ये अखरोट भी रख लिए हैं, और थोड़ा सा इसमें मैं जायफल जरूर डालती हूँ क्योंकि सर्दियों में जायफल अच्छा रहता है. तो इसको अभी मैं जायफल को कूट के भून लूंगी और वो एंड में डालूंगी. हाफ रिड्यूस हो गया. तो अभी और इसको रिड्यूस करेंगे जब तक कि गाजर गाजर दिखने लगेगी और दूध बिल्कुल कम हो जाएगा. अब तक मैं ये बादाम छील रही हूँ. इसको मैंने जायफल को कूट लिया, पाउडर बना लिया, और इसको भी छोटा छोटा काट लिया. किशमिश ले लिया और इलायची पाउडर एंड में डालेंगे. तो अभी हम थोड़ी देर और आधा घंटा और लगेगा इसको रिड्यूस करने में. ये हमारी 2 किलो गाजर थी, 2 किलो दूध था, 2 लीटर दूध था. इसमें हम कम से कम बड़ी 2 कटोरी
ये हो जाता है आधा किलो चीनी। ठीक है, ये हम डालेंगे, कम भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। थोड़ी सी मैं दो से हल्की सी कम डाल रही हूँ, कोई ज्यादा ही मीठा ना। अब ये चीनी डालने के बाद ये अपना असली कलर आएगा इसका ना, जब ये मेल्ट होगी शुगर तो अच्छा हलवे वाला कलर आएगा। बस अब इसको हिला हिला के पकाना है, 5-10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। वी आर चेकिंग इन आफ्टर 10-15 मिनट। हलवे वाला कलर आ गया ना। हाँ, और ये घी भी छोड़ दिया। हाँ, तो ये हमारा इस टाइम हलवा रेडी है। तो ये थोड़ा सा ऐसा नीचे गीला ही रहेगा। हाँ, ये थोड़ी देर में पड़ा रहेगा तो सूख जाएगा। ठीक है ठीक है, अब्सॉर्ब हो जाएगा, सूखा भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, वैसे इसको और भी ड्राई करना चाहो कर सकते हो, पर फिर अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, बट थोड़ा सा सॉफ्ट एंड मॉइस्ट होना चाहिए। बाकी अब सिर्फ यही बची है ऊपर ऊपर की चीज है। अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। ठीक है, एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर और जायफल पाउडर। ये मैंने 1.5 जायफल कूट लिया था। ओके, अब इसमें अखरोट, किशमिश और बादाम, थोड़े से बादाम ऊपर से गार्निश करने के लिए रख लिए। बहुत सुंदर लग रहा है। मिक्स 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 गाइस, किचन में बहुत ही मीठी मीठी खुशबू आ रही है। आजा बैठ जा, द हलवा इज रेडी। अभी क्या खाएगा दीदी साहब? हलवा। कौन सा हलवा? ये गाजर का हलवा। ऐसा लगता रवि को शुगर फ्री? शुगर फ्री लगता। शुगर फ्री नहीं, हमने चीनी डाली है ना, हमने शुगर फ्री नहीं डाली। नो शुगर फ्री, ओनली शुगर। वी आर गोना डू द टेस्ट टेस्ट विद रवि। स्मेल सो गुड। आराम से। हाँ तातू, कैसा है? अच्छा अच्छा, टेस्टी। दीदी खाए? ओके, आई एम आल्सो गोना ईट इट। अच्छा लग रहा है, स्पेशली द नट्स। मुझे ना हलवे के अंदर ऐसे निकाल निकाल के किशमिश खाने का बहुत शौक है। मम्मी इज होल्डिंग द कैमरा, पीछे ले खा ले यार तू। मम्मी इज होल्डिंग द कैमरा, बट आपको याद है ना, जब भी आप बनाते थे हलवा, मैं छोटी थी, आप सबकी किशमिशें निकाल के मम्मी मेरी प्लेट में डाल देती थी, एंड शी यूज्ड टू से सारी किशमिश तुझे दे दी है खा ले, बिकॉज बाकी सब इतने फॉन्ड नहीं थे। एंड मुझे किशमिश का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। हम जब तक अपनी बात कंप्लीट करेंगे सारा खा जाएगा। लुक एट, नहीं तू भी तो खा ना, वो तो सारा ही खा जाएगा। नहीं खा ले, मैं दूसरा ले लूंगी, कोई बात नहीं। तो रवि चबा के खाओ बस, और कुछ नहीं। गाइस प्लीज ट्राई इट, लेट अस नो कैसा लगा। मजा आ गया। थैंक यू गाइज, आई फॉरगॉट टू शो यू वॉट आई गॉट फॉर सिम्बा फॉर दिस क्रिसमस। मैंने बोला था ना मैं सबकी सेंटा बनूंगी, सो सिम्बा के लिए भी मैंने कुछ बहुत ही क्यूट मंगाया। अभी वो थोड़ा सा ऐसे गुक्की होके सोया हुआ है, बिकॉज ही इज अ लिटिल यू नो ठंडी में। आई गॉट अ वेरी क्यूट क्रिसमस स्वेटर फ्रॉम हेड्स अप फॉर टेल्स फॉर हिम, एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। सो आई थिंक आज मैं इसको चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि एक दो दिन ही रह गए क्रिसमस में। आधा ट्रीट के लालच में उठ गया। पहले स्वेटर बदलना पड़ेगा। ओके, सो आई एम गोना जस्ट रिमूव दिस टैग एंड चेंज द स्वेटर। इधर आ। ओके, योगा पोज। इधर आ, चलो चलो आ जाओ। चलो खड़े हो। वाओ सिंबू तो बहुत प्यारा लग रहा है। शिम्बू तो बहुत प्यारा लग रहा है। लुक एट हिम गाइस, दिस इज सो क्यूट। वाओ, हेलो करो, लो खा लो। आई वॉज एडिटिंग एंड ईशान मेड अ गेस्ट अपियरेंस। आई डिडंट टेल यू गाइस, एक्चुअली मैं कल जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट है कहीं की। यू गाइस विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरे पापा ने या यू कैन टेल के मैं कहाँ जा रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग 2-3 दिन के लिए, एंड मेरे पापा ने बुक की थी वो, बट आई टुक इट फॉरवर्ड एंड आई एम मेकिंग दिस वेकेशन माइंड। क्या कर रहा है तू, फ्रेम से बाहर जा रहा है? ये सिम्बा के साथ लगा हुआ है लव लपाटा करने में। लव लपाटा ये राखी सावंत बोलती है बिग बॉस में। क्या लव लपाटा? बिफोर यू आर लीविंग देयर इज वन थिंग इन अनदर रूम जो मैं रख के आया था, तो मैं वो ले आता हूँ, एंड देन टिल देन जस्ट आंखें बंद रखिए। ओके, गिफ्ट है मेरे लिए। या टुडे इज घड़ी क्यों देखनी पड़ रही है?
मैं डेट देख रहा हूँ कि कौन सी डेट, बट या बिफोर यू लीव। ओके आंखें बंद कर, आंखें बंद, हाँ ठीक है ना, मैंने की हुई है बंद, और हाथ आगे पर आंखें बंद। ओके पहले तो ये पहन ले ताकि तू देख भी पाए। ओके नाउ दिस स्वारोस्की या क्रिस्टल्स, ओह माय गॉड, बिल देखो पहले। वैसे बिल, हाँ बिली है, बिली है और क्या है। ये अंदर थोड़ी चिपकी हुई है बेचारी, ठीक से नहीं की हुई। इट्स अ क्या है, इट्स अ नेक पीस। ओह बहुत क्यूट है, डेंटी सर बेस्ट पार्ट है। व्हाई डिड यू चूज दिस डेंटी, इसलिए या एक यही वर्ड है, मेरे को याद है I think the vlog काफी लंबा हो गया, so I should end it on this note because मेरे को तो पता नहीं, मैं तो last। I really can't believe तूने पहली बार, तो मेरे को I can't believe तूने सोच के कुछ मेरे को gift दिया है। Not that I am, नहीं मैं क्यों रोऊंगी, not that I am hungry for gifts or something, like I can't believe के you gifted me something and then something that really I like, मतलब ये भी हो सकता था कि तू कुछ सोचता और वो चीज मुझे पसंद नहीं आती, इसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा बहुत ही, बट इट्स द थॉट दैट मैटर, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्रिसमस गिफ्ट, प्लीज गिव अ गुड थम्स अप, गुड थम्स अप क्या होता है, बैड थम्स अप, गुड थम्स अप, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट्स इट, नहीं फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, आज इंस्टाग्राम पे जिसने फॉलो किया उनको मेरी स्टोरी में पता चल जाएगा मैं कहां जा रही हूं, सो गो, सही बेच जो नोजी नहीं जो सही बेचा एकदम है ना, आज आप भी करो, आप भी करो, चलो ओके गाइस बाय बाय।